हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ केयर। वैसे तो आप ये जानते ही होंगे कि हर व्यक्ति में किसी न किसी चीज़ का फोबिया ज़रूर होता है। फोबिया यानी किसी चीज़ का डर, जैसे कि ऊंचाई से डर, पानी से डर, अंधेरे से डर आदि, ऐसे कई फोबियाज होते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि महिलाओं में प्रेगनेंसी फोबिया यानी कंसीव करने का डर भी होता है? आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि ऐसे कौन से उपचार किए जा सकते हैं जिससे इस फोबिया को ख़त्म किया जा सके और आप अपने प्रेगनेंसी स्टेज का आनंद उठा सकें। लेकिन इसके लिए आपको ये वीडियो ध्यान से सुनना होगा और अंत तक देखना ज़रूरी है। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे जब भी आप ये वीडियो देखना चाहें तो बिना झिझक इसको ढूंढ सकें। तो चलिए बात करते हैं प्रेगनेंसी फोबिया के बारे में। मां बनना इस दुनिया की सबसे खूबसूरत खुशियों में से एक है। इसमें ना केवल गर्भवती महिला बल्कि उसके पूरे परिवार के लोग खुशियों से झूम उठते हैं। वहीं कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें प्रेग्नेंट होने से या फिर प्रसव के दौर से गुजरने के बाद डर बैठ जाता है, वो प्रेग्नेंट होना ही नहीं चाहती। ये स्थिति एक आम स्थिति है और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ दिमाग की बात है। इस स्थिति को टोकोफोबिया कहा जाता है और इसका इलाज संभव है। तो आइए मैं आपको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स बताती हूँ जिन्हें अपनाकर आप इस फोबिया से निजात पा सकते हैं। क्यों होता है टोकोफोबिया? कई महिलाएं प्रसव के दौर से गुजरने से इतना डर जाती हैं कि 40 और उससे ज़्यादा की उम्र तक भी गर्भवती होने के लिए तैयार नहीं होती। ये एक मानसिक स्थिति है। वहीं कुछ महिलाओं को इस बात से डर लगता है कि कहीं उन्हें उनके सुडौल शरीर वापस ना मिला तो। यहाँ तक कि महिलाएं ये भी सोच के डरती हैं कि प्रसव के बाद कहीं उनके पति उन्हें पहले सा प्यार नहीं करेंगे तो वो क्या करेंगी। कई महिलाओं को इस बात का भी डर होता है कि घर में एक नन्हा मेहमान आने की वजह से उनकी दिनचर्या प्रभावित हो जाएगी। लेकिन टोकोफोबिया का सबसे बड़ा कारण होता है प्रसव के दौरान होने वाला दर्द, जिसकी वजह से महिलाएं प्रेग्नेंट होने से डरती हैं। तो आइए अब बात करते हैं उन आसान तरीकों की जिन्हें अपनाकर आप टोकोफोबिया से बच सकते हैं। काउंसलर से बात करें। अगर आपको प्रेग्नेंट होने से डर लग रहा है या आप दोबारा प्रेग्नेंट होने से कतरा रही हैं तो काउंसलर से सलाह ज़रूर लें। वो आपको ज़रूर सही तरीका और सही उपाय बताएंगे और आपकी मदद करेंगे। साथ ही आप उन महिलाओं से ज़रूर बात करें जो इस दौर से गुजर चुकी हैं। पार्टनर से बात करें। यदि आपकी महिला पार्टनर किसी सदमे से गुजर रही हैं या किसी कारण से प्रेगनेंसी से कतरा रही हैं तो उन्हें इससे निकालने के लिए पुरुष पार्टनर ही मदद कर सकते हैं, क्योंकि आप उनकी बात को और उनकी भावनाओं को अच्छे से समझ पाएंगे, जिससे वो धीरे धीरे टोकोफोबिया से बाहर निकल सकती हैं। सकारात्मक सोच रखें। हर दर्द की दवा है सकारात्मक सोच, क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग आपका हर कदम पर साथ देती है। आपको इस बात को पॉजिटिवली ध्यान रखना चाहिए कि यदि इस दुनिया में बच्चा लाना खुशी की बात ना होती और यदि उसमें इतनी कठिनाई हो रही होती तो कोई भी जोड़ा ये काम नहीं करता। साथ ही पुराने ज़माने में मेडिकल फैसिलिटीज़ ना होने के बावजूद कैसे महिलाएं प्रसव के दौर से गुजर जाया करती थीं। तो आपको तो इतनी मेडिकल सुविधाएँ उपलब्ध हैं, तो फिर डर कैसा? जानकारी इकट्ठा करें। गर्भावस्था से लेकर प्रसव तक की पूरी जानकारी अच्छे से इकट्ठा कीजिए। आप इसके लिए लोगों से बातचीत कर सकते हैं, टीवी और वीडियो का सहारा ले सकते हैं, साथ ही कोई अच्छी किताब पढ़ के भी आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि आप अब कंफर्टेबल हैं और इस फोबिया से निजात पा चुकी हैं, तब आप अगला कदम उठा सकती हैं। माँ बनना एक खूबसूरत एहसास है और घर में एक नन्हे मेहमान के आने की खुशी हर दर्द को भुलाने के लिए काफ़ी होती है, तो फिर डर कैसा? इस वीडियो में हमने आपको बताया कि प्रेगनेंसी फोबिया से किस प्रकार बचा जा सकता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके मन में हेल्थ से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में और ईमेल करके हमसे पूछें। हमारी पूरी कोशिश है कि आपके सवालों का जवाब जल्द से जल्द दिया जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ख्याल रखें।